जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। इसमें बिलाल क्यूटो और आपका होस्ट और आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर, और आप लोग देख रहे हैं टक स्टूडियो। तो मैं मौजूद हूँ सिद्दीकी सागर भाई के पास, जो कि टक स्टूडियो के को फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन अब कुछ देर में आप ठीक होने वाले नहीं, क्योंकि मैं आपसे ख़तरनाक सवाल पूछूंगा, कंट्रोवर्शियल भी होंगे, बोल भी होंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे ख़तरनाक सवालों के अच्छे से जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखें ख़तरनाक उनके लिए होते हैं जो गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। तो जब हमारा दिल हर एक चीज़ साफ़ है और कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है गलत, तो फिर उसके लिए कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं हो सकती। डर उसको होता है जो गलत करके निकलता है, उसके लिए वो डर रहता है कि यार मैंने किसी के साथ गलत किया है तो खुदा ना खास्ता उसने जो है कहीं पर मेरी कोई बात या कोई ऐसी चीज़ लीक कर दी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। सही, तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी आंखों के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आपकी हैं एक कलर आइस, और कलर आइस के बारे में लोगों को कहना है कि ये बहुत बेवफा होते हैं, या ये बेवफा होते हैं या इनको बेवफाई मिलती है। तो पहले तो ये क्लियर कर दें, क्या आप बेवफा हैं फितरी तौर पर? नहीं, देखें ये एक कहने की बातें, अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, ठीक है, बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान तो ये बना नहीं सकता है। सही। और दूसरी बात ये है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आई थिंक लोग अगर जेल मिलती है, जैसे कि हर इंसान के साथ ये वाकयात गुजरे हैं कि किसी कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ या कोई ऐसी चीज़ गुजरती है कि वो समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुई है। भाई अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होता, अल्लाह जो है हमेशा सबके साथ अच्छा करता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, ठीक है। बुरा हम खुद करते हैं, और बुरा जो करते हैं वो हम भूल जाते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है
तो फिर हम अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुआ है। अल्लाह की तरफ से नहीं होता, जो किसी के साथ आप करके आते हो ना वही आपको पलट के मिलता है। सही, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर फैसल कुरैशी साहब की भी एक बात याद आ रही कि वो हमेशा कहते थे अपने मॉर्निंग शो में कि अल्लाह ताला ने सबको अच्छा बनाया, इंसान ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। तो आपकी बात से हकीकत है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे सवाल जवाब थे, लेकिन आपने सारे सवालों का एक साथ ही जवाब दे दिया। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा कि टक स्टूडियो के आप जैसे ऑडिशन वगैरह लेते हो न्यू टैलेंट का, कि न्यू टैलेंट आपके पास आता है तो वो आपसे सवाल ज़रूर करता है कि जिस तरीके से फील्ड में लोग नाकाम हो रहे हैं, लोग बेवफाइयों के शिकार हो रहे हैं, लोग धोखा फरेब का शिकार हो रहे हैं, तो क्या टक स्टूडियो को भी इल्ज़ाम है कि वो एक होता है इंसान के जहन में जब आप सारी ज़िंदगी से नाकाम होते हो तो आपको एक अच्छा चैनल भी एक धोखेबाज नज़र आता है, तो क्या लोगों ने आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि आपने ये चैनल लोगों को ठगने के लिए, लोगों के पैसे खाने के लिए बनाया है? थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन ये हकीकत है कि मैं हकीकत पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। मैं सर इस चीज़ का एक ही जवाब दूंगा कि जिस दिन ये इल्ज़ाम आएगा ना कि टक स्टूडियो ने किसी को लूटा है, किसी को ठगा है, मैं उसी दिन वो चैनल ही बंद कर दूंगा। चलेंगे, आप ऑनियर कह रहे हैं फिर। बिल्कुल ऑनियर कह रहा हूँ। और कोई जब जिस दिन इल्ज़ाम लगाएगा कि उन्होंने ठगाया हमें और हमारे साथ धगा किया है, इस तरह की चीज़ की है, मैं उसी दिन उसको बंद कर दूंगा। अच्छा, एक और भी बात यह आती है कि आपने जो ये जो नाम रखा है जो एज ए डग स्टूडियो, तो इसके ऊपर क्या साइंस है? क्योंकि बहुत अच्छा नाम है और मुझे बहुत यूनिक लगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में वही जो आ रहे नाम लोग कॉपी करते हैं, तो इसके पीछे क्या साइंस है कि ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इतनी जल्दी ये कामयाब भी हो रहा है अपनी शॉर्ट फिल्मों की वजह से और आपकी एक्टिंग की वजह से? और मेन चीज़ डायरेक्शन प्रोडक्शन, हालाँकि आपके पास स्टूडियो भी नहीं है फिर भी आप इतनी अच्छी प्रोडक्शन कैसे दे रहे हो? तो ज़रा टेक्निकल एनालिसिस आप बताएं लोगों को कि लोग अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं अपने घर से अपने मोहल्ले से तो किस तरीके से अच्छी प्रोडक्शन वो दे सकते हैं? जी देखें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये जब आप सबसे पहली चीज़ होती है कि इंसान जब अपना मुखलिस हो के काम करता है, किसी चीज़ में स्टेप लेता है, अगर आज मैं आपके साथ मुखलिस हो के चलूँगा तो तभी आप मैं आगे बढ़ूँगा। एक इंसान के साथ जब आप धोखा दही करते हो ना, तो आप एक इंसान के साथ नहीं करते, क्योंकि जब एक के साथ करते हो वो दस को बताता है कि यार उसने मेरे साथ ये चीज़ की है। बाकी टक स्टूडियो जो है वो बस मतलब सर्चिंग में बहुत एक अच्छा था और अच्छा। उसमें मुझे नाम जो है टक बहुत अच्छा लगा। तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जो चैनल है लाइक जो टक स्टूडियो, उसके ऊपर आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आगे क्या शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, वीडियो सॉन्ग आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, उस बारे में ज़रा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने सॉन्ग्स वगैरह देखे होंगे, उस पर थोड़ा ये है कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें थीं जो उसमें वीक थीं। अब ये है कि आगे हमने प्लानिंग के साथ अच्छा काम करना है, और दूसरा ये है कि अभी कुछ सॉन्ग्स की भी आज मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं हमारी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सॉन्ग्स वगैरह भी आप देखेंगे। और उसके अलावा जो है हम एक स्टोरी भी काम कर रहे हैं, उस पर पूरा रिहर्सल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उस स्टोरी को भी देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा लिखा है हमने, तो उस पर भी हमारा काम अभी अच्छा चल रहा है। एक और तरह सवाल पूछना चाहूँगा, ऐसे तो कंटेंट क्रिएटर को अपना कचरा काम भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका वो कौन सा काम है, एक काम बताइएगा जो कि आपको दिल से खुशी हुई हो और ये आपको लगा हो कि हाँ यार ये मैंने एक्टिंग का या प्रोडक्शन हाउस का हक अदा कर दिया ये अच्छा काम करके और लोगों ने भी इसकी खूब तारीफ की हो, तो वो एक काम बता दें आप जो कि अपलोड हुआ हो? देखें, मैं इस चीज़ के बारे में, वो कहते हैं ना कि अपनी तारीफ करना, वो एक फिर भी एक कोई अच्छा काम आपको लगा हो जो कि आप सेटिस्फाई हो, आपको रात को सुकून से नींद आई हो, हाँ यार ये चीज़ मेरी हिट जाएगी 5 साल के बाद भी, ये मैंने अच्छी चीज़ फेंक दी है, एक ना एक दिन वो क्लिक होगी, तो वो बता दें। तारीफ का नहीं पूछ रहा, अच्छा काम भी लगता है ना एक इंसान को, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने फिल्म बनाई है जब प्यार किसी से होता है, उस पर मैंने हर तरह का काम मैंने खुद किया है, उसका मैनेजमेंट, उसकी डायरेक्शन, उसमें वो जो आप मुझे कल बता भी रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके
के फिर बिल्कुल बिल्कुल मैंने उस पर अपना मतलब सब कुछ उस पर लगा दिया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने उस फिल्म का जब स्टेप उठाया तो मुझे उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और उसमें मुझे मुखलिस दोस्त मिले, मुखलिस टीम मिली जिसकी उस पर जो है मैं अपना काम आगे ले कर चल रहा हूँ और हम एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह एंड तक रहेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा, आखिरी पैगाम नौजवानों को, चाहे वो कोई से भी फील्ड में, अब चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, कोई से भी मतलब कोई से भी फिरके से हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या अच्छा काम करें और ज़िंदगी में कामयाब हों? देखें, मैं सबके लिए एक ही मैसेज दूंगा कि भाई किसी के साथ, चाहे कोई भी, जितने भी जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि किसी के साथ जब धोखा करोगे ना तो वो पलट के आपके ऊपर आएगा। ईमानदारी से अल्लाह को मतलब के अल्लाह पे यकीन रख के भरोसा करके चलोगे तो आपकी बेड़े पार हो जाएंगे। चलें ठीक है, आप इसी के साथ ही बिलाल क्यूटो के चैनल को, कराची स्टूडियो के चैनल को और टक स्टूडियो के चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन भी कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट, अपने दोस्त सिद्दीकी सागर भाई को और बिलाल क्यूटो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।